अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी और केसीआर को सियासी झटके लगने का सिलसिला जारी। मौजूदा रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और उक्त असेंबली डी नागेंद्र कांग्रेस पार्टी में शामिल। कांग्रेस और बीजेपी मुत्तहिदा तौर पर बीआरएस को कमजोर करने की कोशिश में मसरूफ। बीआरएस कायद आर श्रीधर रेड्डी ने लगाया इल्जाम। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल 37 कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन का तकरर। 3 मुस्लिम कायदीन के नाम भी शामिल। अब खबरें तफसील से। बीआरएस कायद आर श्रीधर रेड्डी ने कांग्रेस और बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुत्तहिदा तौर पर दोनों जमातें भारतीय राष्ट्रीय समिति को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस हुकूमत में रियासत की तरक्की नहीं हुई तो फिर क्यों बीआरएस के अराकीन पार्लियामान बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे कबल वज़ीर आज़म मोदी खुद इकरार कर चुके हैं कि केसीआर की हुकूमत ने बेहतरीन काम किए हैं। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी और रियासी सदर बीजेपी जी किशन रेड्डी पर शदीद तनखीद भी की। तेलारजामुन वाले लेवक मुंदे वाले इंटिकी पोई ना पार्टी लो जॉइन गा नेनु 24 गंटल मुंदे गड़ोक मुंदे संवत्सराल तरबड़ी मा पार्टी लो बीजेपी लो पंजेसिनटोक नायकुल गोंतु नोक्की वाला जीवितालनु कालरासी वाला श्रमनु अम्मुकोनी నేను మీకు పార్టీ టికెట్లు ఇస్తాను ఎంపీ టికెట్లు ఇస్తానని ఎందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుల ఇంటి ముందు నైట్ వాచ్మెన్ ఉద్యోగం చేసి పొద్దున్నే వాళ్ళ ఇళ్ళకి పోతున్నావు? మరి వాళ్ళు దొంగలై ఉంటే ఇవాళ నీ పార్టీ తరపున బీజేపీ తరపున దొంగలకు పార్లమెంట్ టికెట్లు ఇచ్చినావా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అనే విషయాన్ని నేను కిషన్ రెడ్డి గారికి చెప్తా ఉన్నాను. ఎట్లా ఆదిలాబాద్లో గోడం నగేష్, జైరాబాద్లో బీబీ పాటిల్, ఇవాళ వరంగల్లో ఆరు రమేష్ ఇంకా డిక్లేర్ చేస్తారని చెప్తున్నారు, మహబూబ్నగర్లో పొదుగంటి రాములు గారి కొడుక్కి, నల్గొండలో సైదిరెడ్డికి, అందరికీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకే టికెట్లు ఇచ్చినావు కదా, మరి వాళ్ళు దొంగలని ప్రజల ముందు డిక్లేర్ చేస్తున్నావా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. నీతిమాలిన మాటలు, సిగ్గుమాలిన రాజకీయాలకు కేరాఫ్గా భారతీయ జనతా పార్టీ తయారు చేస్తున్నావు కదా, బీఆర్ఎస్ పార్టీని దొంగల పార్టీ అంటావా? ఇవాళ దొంగలు ఎవరు? మరి వాళ్ళు దొంగలైతే టికెట్లు ఎట్లు ఇస్తున్నావు? ఇదే నల్గొండలో ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చిన సైదిరెడ్డికి గిరిజనుల యొక్క భూములు గుంజుకున్నాడని ఇవాళ కార్యకర్తలను ఆ రోజున పంపిస్తే వాళ్ళందరినీ ఆ రోజు కొట్లాటలైతే వాళ్ళందరూ జైళ్ళకు పోయినారు. ఆ రోజు బీజేపీలో ఉన్నటువంటి నల్గొండ జిల్లా కార్యకర్తలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కార్యకర్తలు పోయి దెబ్బలు తిని జైల్లో నిలబడున్నారు. వాళ్ళందరికీ ఏమని చెప్తావు? మరి వాళ్ళని దొంగలు అంటావా? ఇవాళ వచ్చినోడు దొంగ అంటావా? దొంగలకు టికెట్లు ఇస్తున్నటువంటి నీవు మరి నిన్నేమనాలో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి నోరుంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే, ఎవరు మాట్లాడాలనుకుంటే అధికారంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏమైనా నడుస్తుంది కేంద్రంలో ఉంది అనుకుంటే చిల్లదనే విషయాన్ని గమనించాలి. మీకు అసలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద మాట్లాడే నైతికత అరగ ఉందని అడుగుతా ఉన్నాను. నీ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో ఒక్క బీజేపీ అభ్యర్థి గెలవడు. लोकसभा इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। एक जानिब जहां बीआरएस एमएलसी के कविता को ईडी हकाम ने शराब स्कैम केस में हिरासत में लिया है तो दूसरी जानिब बीआरएस कायदीन अपनी डूबती कश्ती छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत बीआरएस के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट और एक रुकन असम्बली ने पार्टी छोड़कर हुक्मरान जमात कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस खबर के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे।
बीआरएस पार्टी को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब चेवड़ला बीआरएस उपने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और बीआरएस उपने असम्बली हल्के खैरताबाद डी नागेंद्र ने बीआरएस को खैराबाद करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस उपने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वजीर आला रेवंत रेड्डी और इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपा दास मुंशी से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका कांग्रेस में रेवंत रेड्डी और दीपा दास मुंशी ने खैर मकदम करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया। बीआरएस सबक रुकन असम्बली आर रमेश ने बीआरएस से इस्तीफ़ा देते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। आर रमेश ने बीजेपी पार्टी ऑफिस में सदर रियासती बीजेपी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और किशन रेड्डी ने पार्टी में उनका खैर मकदम करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि बीआरएस रुकन खान साज कौंसल के कविता की गिरफ्तारी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कविता से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कविता को ईडी ने उनके शराब स्कैम मामले में हिरासत में लिया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तेलंगाना के तमाम 17 और मुल्क के 400 से ज़ायद पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी हासिल करते हुए मरकज में हुकूमत बनाने की हैट्रिक करेगी। नियोजकवर्ग प्रजा आशीर्वाद तो रे पर्यायू प्रजा सेवल మరి జిల్లా అధ్యక్షునిగా పనిచేసి మరి ఉద్యమ సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం మరి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత రెండు పర్యాయాలు ఆ నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవ చేశాం మరి ఈ రోజు దేశ భద్రత కోసం భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్నత స్థానంలో ఉంచిన మోడీ గారి నాయకత్వంలో మరి బీజేపీలో చేరాలి అని వరంగల్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు వర్ధన్నపేట నుంచి రెండు సార్లు బీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసినటువంటి ఆరూరి రమేష్ గారు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడం వారితో పాటు జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షులు కానీ జెడ్పీటీసీలు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ సర్పంచులు కానీ మాజీ స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధులు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి అనేక బాధ్యతలు ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు మిగతా వాళ్ళు వరంగల్లో చేరుతారు కాబట్టి కొంతమంది ప్రముఖులు ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరుతున్న సందర్భంగా నేను వారికి రాష్ట్ర పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వకమైనటువంటి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమంలో వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మాజీ శాసనసభ్యులు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ ధర్మారావు గారు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రివర్యులు విజయరామారావు గారు ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఇటీవలనే వర్ధన్నపేట నుంచి పోటీ చేసినటువంటి కొండేటి శ్రీధర్ గారు మాజీ శాసనసభ్యులు జయపాల్ గారు మాజీ శాసనసభ్యులు వన్నాల శ్రీరాములు గారు అదే విధంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి జిల్లా పార్టీ साबिक वजीर रुकन असम्बली बी आर एस मल्ला रेड्डी ने अपने ख़यामगाह पर मल्काजगिरी पार्लिमानी हलके के पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो 13 मई को मुनक़िद होने वाले
पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो जाएं। उन्होंने बताया कि बीआरएस के 10 साल दौर इख्तदार में किए गए फलाई स्कीमात की बुनियाद पर बीआरएस आवाम से रुजू होते हुए वोट हासिल करे। इस इजलास में बीआरएस अराकीन असम्बली एम कृष्णा राव, विवेकानंद गांधी, बीआरएस उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। केसीआर गारु, केटीआर गारु, हरीश राव गारु, मल्काजगिरी पार्लमेंटु अभ्यर्थिगा नन्नु नियमिंचडं जरिगिंदी। अंदरू शासन सभ्युलु नन्नु दीविंची नन्नु एंपीगा गेलिपेयडानिकी कृषि चेस्तुन्नारु। ముఖ్యంగా మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లలో 7 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే 7 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఈ పార్లమెంట్లో గెలవడం జరిగింది। రాబోయే ఎంపీ ఎలక్షన్లలో ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తారు। ఇంతకుముందు ఏదైతే మా పార్లమెంట్లో 7 మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించి 355,000 మెజారిటీని ఇచ్చిరో, ఈసారి కూడా ప్రజలు దీవించి అంతకంటే ఎక్కువ మెజారిటీ ఇస్తారు। మా శాసనసభ్యులందరూ కూడా నన్ను ఒక తమ్ముల్లాగా ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పి, ప్రజలు కూడా నన్ను ఆశీర్వదిస్తారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను। पार्लियामेंट इंतखाबात से कबल बीआरएस को जबरदस्त धक्का लगा। पार्टी एक और रुकने पार्लियामेंट ने न सिर्फ पार्टी छोड़ दी बल्कि वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो गए। वारंगल के बीआरएस के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट पी दयाकर ने आज बीआरएस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने मकतूब इस्तीफा बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव को रवाना किया है। बाद हजार उन्होंने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन खान साज कौंसल महेश कुमार गौड़ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये ख्यास आ रही की जा रही थी कि बीआरएस से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं और आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बीआरएस के कई कायदीन की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की जा रही है। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की रात तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई और बाद अजला में तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी भी हुई। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला करीमनगर और निज़ामबाद में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। राजना सिरसिला ज़िले के कई मौजूद में तकरीबन एक घंटे तक ज़बरदस्त ज़ालाबारी हुई। बड़े ओले गिरे जिससे चावल की फसलें भी तबाह हो गई। निज़ामबाद ज़िले के सिरीकोंडा, डिशपल्ली और दीगर मंडलों में बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुँचा। कई अजला में आम की फसल को भी नुकसान पहुँचा। बाजारघाट इलाके के साकिन एक नौजवान की रूस यूक्रेन में जारी जंग के दौरान मौत हुई थी, जिसकी नाश को हैदराबाद लाया गया और नमाज जनाजे के बाद सुपरी दिल्लहद कर दिया गया। मोहम्मद असवान की नमाज जनाजा में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा शिरकत की। इससे कबल मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान ने मरहूम के मकान पहुंचकर अहले खाना को पुरसाबी दिया था। वाज़ह है कि सदर मजलिस ने यूक्रेन और रूस में फंसे हिंदुस्तानी नौजवानों को वापस लाने के लिए मरकजी वज़ारत खारजा से नुमाइंदगी भी की थी। करिए
بزم اتحاد گروپ کی جانب سے ہر سال غریب اور نادار خواتین اور خاندانوں میں رمضان راشن کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس سلسلے کے تحت بزم اتحاد گروپ حیدرآباد، جدہ اور مدینہ کی جانب سے اس سال بھی رمضان فوڈ پیکس کی تقسیم گروپ پریزیڈنٹ احمد الدین اویسی کی سرپرستی اور نائب صدر ترجمان یوسف الدین امجد کی نگرانی میں عمل میں آئی۔ جنرل سیکرٹری حیدرآباد چیپٹر محمد علی نیر نے اپنے خیامگاہ واقع ریڈ ہلز پر بزم کے دیگر ذمہ داروں محمود بل شرف، اثر بایزید اور عبد الرحمان کے ہمراہ مذکورہ پیکجز کی تقسیم عمل میں لائی۔ یوسف الدین امجد اپنی ناسازی صحت کی بنا پر شرکت کرنے سے قاصر رہے، تاہم محمد علی نیر کی راستہ نگرانی میں مذکورہ پیکجز تقسیم کیے گئے۔ आंटी क्या है नंबर? जाए तो आपको लेने आता हेलो ले ले चलो एक एक मिनट का बनाना, एक को ले देना इस शॉप को लेना, एक को ले देना इस शॉप को ना, ठीक है दे दो हाँ जो सामान लेते हो ले लो। टीका चाहिए रहा है अंकल का, पता नहीं लेते तो देखा आपके साथ। کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کی جانب سے بھی مختلف حلقوں میں دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت دبیل پورہ گنگا نگر میں محمد ریاض سرگرم مجلسی کارکن کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعوت افطار میں متعلقہ مجلسی کارپوریٹر علمدار والا جائی اور ایریا پریزیڈنٹ مرتضی علی نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔
तेलंगाना हुकूमत ने आइन लोकसभा इंतखाबात से कबल रियासत के 37 कॉरपोरेशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों का ऐलान किया है। हफ्ते को वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में 3 मुस्लिम कांग्रेस कायदीन एम ए फ़हीम मोहम्मद रियाज और एम ए जब्बार शामिल हैं। इस फहरिस्त में तमाम तबक़ात के कायदीन को नुमाइंदगी दी गई है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही कई हलकों में इफ्तार पार्टियों का भी जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया जा रहा है। मजलिसी कायदीन मुसलसिल मस्कूरा इफ्तार पार्टियों में मेहमानान खसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कायद मुगन्ना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी दावत इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। 6 रमज़ान मुबारक को भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी कायदीन की जानिब से मुनक़िद की गई दावत इफ्तार में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसी तरह पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जुलो खाने में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की।
मुशीराबाद में हुए एक टी स्टॉल ओनर के खत्म में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए केस की यकसोई कर ली। 14 मार्च को मोहम्मद गौस नामी शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल किया गया था और सिलसिले में 42 साल फैज़ अहमद नामी शख्स को तहकीकात के बाद हिरासत में लिया गया। बताया गया कि पुरानी खसूमत की वजह से ये कत्ल किया गया है। महीने 14 तारीख को एक मुशीराबाद गोलखपुर एरिया में कागिर नगर के एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के हमको समाचार आया था। और समाचार देख के हमारा इंस्पेक्टर सीताया और निरंजन को लेके हमारा डीसीपी साहब के अंडर सुपरविजन में हम लोग सीन को गए। सीन को जाके पूरा फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देके इंजर्ड को गांधी आश्रम शिफ्ट करने के टाइम पे गांधी आश्रम पहुँचने के पहले ही उसका आदमी का इंतकाल हो गया था। और इंतकाल होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करें, वो केस को इन्वेस्टिगेशन करके फयाज अहमद बोल के एक आदमी लोकलाइड इन लोग दोनों फयाज अहमद एंड गौसुद्दीन दोनों दोस्त थे। पहले छोटे छोटे मसले पे उन लोगों को थोड़ा 2-3 बार गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ होने के बाद एक के ऊपर एक गर्ज कर लिए थे। होने के बाद फिर एक दिन चांद दे के उसको ख़त्म करने के लिए प्लान करके फयाज़ुद्दीन एक दिन 14 तारीख के दिन नमाज के पहले आफ्टरनून नमाज के पहले जाके उसके टी स्टॉल पे जाके चाकू से हमला करके भाग गया वहाँ से। आज सवेरे हमारा मुशीराबाद इंस्पेक्टर और चिकटवेली इंस्पेक्टर दोनों टीम्स बना के स्पेशल टीम्स बना के अफेंडर को पकड़े और अभी कोर्ट को जुडिशियल कस्टडी को भेज देते हैं। तालीमी इदारों की जानिब से तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के गर्ज़ से मार्च के महीने में सालाना तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस सिलसिले के तहत इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल मौला अली ब्रांच की जानिब से भी सालाना तकरीब मुनाकिद की गई। इस तकरीब में ग्रुप CEO मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि ग्रेजुएशन डे तकरीब के अलावा तलबा तालिबात ने कल्चर प्रोग्राम्स भी पेश किए। इस मौके पर तलबा तालिबात के वालदेन और सरपरस्तों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। ह्यूमन बीइंग हैविंग गुड वैल्यूज, ह्यूमन बीइंग ही हु कैन टेक केयर ऑफ अदर ह्यूमन बीइंग, दैट्स हाउ वी आर डेवलपिंग। एंड फॉर्चुनेटली हियर इन दिस मौलाली स्कूल वी हैव गॉट ए वंडरफुल टीम, एक्सेलेंट टीम ऑफ टीचर्स हियर हु आर वेरी कमिटेड। Learning gives you creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge make you great. Thank you all. And looking forward for many more admissions to come up with many things coming up in IFS Molali. Thank you. Dear ma'am, greetings. I would like to thank all the members who helped to make annual day event and graduation day event such a great success. The show was fabulous. All the kids were brilliant. A very successful and heart-touching performances. And well-organized annual day and graduation day. I appreciate the efforts. We enjoyed a lot. Thank you, IFS. Good morning. I am the parent of Class 1 and 3 Anshu Mishra and Tanmay Mishra. I am very happy to have my children in IFS Molali, because they learn lot of things through activities. Teachers and principals are very highly qualified. They are helpful and kind for children, so children enjoy coming to school. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस पार्टी और केसीआर को सियासी झटके लगने का सिलसिला जारी। मौजूदा रुकने पार्लियामान रंजीत रेड्डी और उक्तसम अली डी नागेंद्र कांग्रेस पार्टी में शामिल।
कांग्रेस और बीजेपी मुतहदा तौर पर बीआरएस को कमजोर करने की कोशिश में मसरूफ, बीआरएस कायद आर श्रीधर रेड्डी ने लगाया इल्जाम। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल 37 कॉरपोरेशंस के सुदूर नशीन का तकरर, 3 मुस्लिम कायदीन के नाम भी शामिल। नाज़रीन रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ ही अख्तिताम पसंद होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।